आपके फोन पर कई बार मिस्ड कॉल, ब्लैंक कॉल वगैरह आते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मिस्ड कॉल से आपका खाता साफ हो सकता है? शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसा हुआ है दिल्ली के एक शख्स के साथ, और उसका यह दावा है कि उसके पास कुछ मिस्ड कॉल आए और उसके खाते से 50 लाख रुपए उड़ गए। दिल्ली के एक सिक्योरिटी एजेंसी के निदेशक ने साइबर ठगी का यह अनोखा मामला दर्ज करवाया है। शख्स के मुताबिक कुछ दिन पहले उसे सुबह 7 बजे से 8:45 बजे के बीच लगातार फोन पर मिस्ड कॉल्स और ब्लैंक कॉल्स आ रही थी। बार बार ऐसे होने पर शख्स ने फोन उठाया और हेलो हेलो करता रहा, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आई। आखिर में उसने फोन कट कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में पीड़ित के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिससे उसे पता चलता है इसके खाते से 50 लाख रुपए उड़ा लिए गए हैं। ये मैसेज बैंक की तरफ से आया था जिसमें बताया गया था कि उसका RTGS कंप्लीट हो गया है। शख्स का कहना है कि उसकी ना तो किसी से बात हुई, ना ही कोई OTP उसके मोबाइल पर आया, ना ही उसने किसी लिंक पर क्लिक किया था, ना ही किसी को बैंक डिटेल दी, लेकिन इन सब के बावजूद उसके खाते से पैसे कैसे निकल गए। अब इसका साफ साफ जवाब अभी पुलिस भी ढूंढ नहीं पाई है, हालांकि पुलिस ने शुरुआती जांच में इसका कनेक्शन जामताड़ा से बताया है। दिल्ली पुलिस ने के साइबर सेल के DCP ने कहा है कि बैंक की ओर से OTP भेजा गया था, लेकिन मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो जाने की वजह से ये OTP हैकर के पास चला गया। शुरुआती जांच में ये सिम स्वैपिंग का मामला भी नजर आ रहा है। आपको बताएं कि सिम स्वैप या फिर सिम स्विच फ्रॉड में हैकर्स 2-फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन की खामियों का सहारा लेकर उसके सिम को का डुप्लीकेट तैयार कर लेते हैं और फिर आपको चपत लगाते हैं। अब इस स्कैम के लिए हैकर्स आपके सिम प्रोवाइडर की मदद से आपको स्विचिंग के लिए मनाते हैं। अगर आप उसके झांसे में आ गए तो आपने सिम को एक्टिवेट कर दिया तो डुप्लीकेट सिम के जरिए आपके फोन का कंट्रोल स्कैमर्स के पास पहुंच जाता है और फिर हैकर्स आपके फोन कॉल और टेक्स्ट को आसानी से हासिल कर लेता है। लेकिन आखिर में सवाल यही खड़ा होता है कि क्या सिर्फ मिस्ड कॉल और ब्लैंक कॉल के जरिए आपके साथ धोखाधड़ी की जा सकती है? क्या मिस्ड कॉल और ब्लैंक कॉल के जरिए धोखाधड़ी करना संभव है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वाकई काफी ज्यादा संगीन और गंभीर मामला है। और सवालों का जवाब देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। परिचय करा देते हैं, साइबर एक्सपर्ट और महाराष्ट्र साइबर पुलिस डिपार्टमेंट की पूर्व CM फेलो दीपिका सिंह। दीपिका जी, स्वागत करते हैं आपका इस चर्चा में। प्राइमर फेसी अगर समझा जाए, ये जो मामला है कि इस शख्स के पास लगातार मिस्ड कॉल्स आते हैं, ब्लैंक कॉल्स आते हैं, ये फोन उठाते हैं, आगे से कोई जवाब नहीं देता। हम में से कई लोगों के साथ ऐसा होता है, कितने टेलीमार्केटिंग के कॉल्स हमारे पास दिन भर में आते रहते हैं और उसके बाद ये शख्स कहते हैं उनके खाते से 50 लाख रुपए उड़ जाते हैं जी, क्या ये संभव है? जी, तो यहाँ पे जब हमने ये रिपोर्ट पढ़ी, यहाँ पे ये स्टोरी पढ़ी, इसमें कुछ मिसिंग लूपहोल्स है जो मैं कवर करना चाहूंगी। पहले तो सिम स्वैपिंग या सिम क्लोनिंग तभी होता है जब जालसाज आपके नंबर को ब्लॉक करा देता है। स्टेप टू, वो कैसे ब्लॉक कराता है? वो जो कंपनी है आपके सर्विस प्रोवाइडर को, उनको कॉल करके बोलता है कि वो आप हो, आपका KYC डिटेल्स देते हैं एंड वहां से सिम ब्लॉकिंग की प्रोसेस शुरू होती है। तीसरा, अभी जो इस स्टोरी की दूसरी कड़ी है कि इतनी बार ब्लैंक कॉल्स क्यों आते हैं, तो जब कभी भी कैरियर सर्विस हमारी वेरिफिकेशन करते हैं, वो कई तरीके के वेरिफिकेशन सवाल पूछते हैं, जिनमें से कुछ होते हैं योर पेरेंट्स नेम, द लास्ट 5 इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स, ताकि ये वेरीफाई कर सके कि जो सिम ओनर है वही उनसे उस समय पे वार्तालाप कर रहे हैं। तो अगर इस कड़ी को हम उधर जोड़े कि ये जो आउटगोइंग कॉल्स है, ये जो मिस कॉल्स है, ये जालसाज इसके लिए करते हैं ताकि उनके पास वो डेटा रेडी हो, और जैसे ही ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जो ओरिजिनल सिम कार्ड ओनर है उनका जो सिम कार्ड का नेटवर्क है वो पूर्ण शून्य चले जाता है काफी लंबे समय तक, एंड कभी कभार उन्हें यह भी नहीं मालूम होता कि वो सिम ब्लॉक हो चुका है और जालसाज के पास उस सिम का एक्सेस आ चुका है। वेरी स्कैरी और वेरी इंटरेस्टिंग दीपिका, क्योंकि आई एम श्योर हम में से कई लोग इसका शिकार भी हुए हैं और मालूम भी नहीं चलता। क्या कुछ क्यूज हैं, किसी तरीके से मालूम चल सकता है कि हम सिम स्वैपिंग का शिकार हुए हैं, और कहां पर
बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो जालसाज होता है वो आपके मोबाइल कंपनी को, आपके बेसिकली प्रोवाइडर, टेलीकॉम प्रोवाइडर को फोन करके आपकी डिटेल्स लेते हैं और उस तरीके से सिम स्वैपिंग होती है। क्या ये इतना आसान है कि सिम स्वैप कर लिया जाए, जो टेली जो वहां पर कॉल सेंटर में लोग बैठे हैं वो इतना आसानी से आपके इन्फॉर्मेशन को इतने हल्के तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हैं, या फिर जो हैकर है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है यहाँ पर? तो यहाँ पे सिम स्वैपिंग करा क्यों जाता है, जो रीजन फॉर सिम स्वैपिंग या सिम क्लोनिंग या सिम ब्लॉकिंग होता है कि आपका मोबाइल हैंडसेट खो गया है या आपका सिम कार्ड खो गया है या एक्सेसिबल नहीं है, तो पहला कड़ी का मुद्दा है वो। दूसरा कि जो क्वेश्चंस वहां पूछे जाते हैं, एंड वहां पे सिम स्वैपिंग करने के तीन तरीके हैं। पहला है केवाईसी नंबर पे कॉल करके, दूसरा है नियरेस्ट स्टोर को विजिट करके, तीसरा है ऑनलाइन। एंड अभी हम इस डिजिटल जमाने में आ गए हैं जहां पे काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारे सोशल मीडिया, हमारे ऑनलाइन वेरिफिकेशन द्वारा ऑलरेडी ये जालसाजों के पास है। उस कड़ी का इस्तेमाल कर वो हमें इम्पर्सनेट करने की कोशिश करते हैं। अभी जब भी ये फोन सर्विस कैरियर्स ने देखा है कि ऐसे मुद्दे आए हैं, उन्होंने कुछ वेरिफिकेशन टैब जरूर किए हैं, पर वो पूर्ण तरीके से शक्य नहीं, क्योंकि अगर वो लूपहोल्स नहीं होते तो ऐसे गलत लोगों के सिम ब्लॉक नहीं हो रहे होते। या अगर उन्होंने कोई एक एडिशनल लेयर ऑफ वेरिफिकेशन जैसे कि ईमेल पे ओटीपी, बिकॉज सिम कार्ड जब हम क्लोन करते हैं या ब्लॉक करवाते हैं उस सिम पे तो ओटीपी आ नहीं सकता, तो आपको वो एक ऑल्टरनेटिव नंबर पूछते हैं। अब वो ऑल्टरनेटिव नंबर तो किसी का भी हो सकता है, जालसाज तो अपना ही ऑल्टरनेटिव नंबर वहां देगा। तो अगर सिम कैरियर कंपनी एक एडिशनल वेरिफिकेशन लेयर यहाँ डाल दे, कई ऐसे केसेस बच सकते हैं। और दूसरा है, जहां तक डेटा की बात है, तो जो ये कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो कॉल सेंटर्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, इनकी अवेयरनेस में अभी आना प्रोग्रेस थोड़ा बाकी है, क्योंकि अगर हम देखा जाए उन्हें बेसिक से बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है ऑफ व्हाट इज सपोज टू बी डन एज अ केवाईसी एडमिनिस्ट्रेटर। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें कोई अभी तक ट्यूशन या अवेयरनेस ट्रेनिंग नहीं की गई है, जो कि उन्हें होनी चाहिए कि डेटा कैसे वेरीफाई करे, अगर कुछ भी शक हो उस समय ही वो रिपोर्ट कर दे कि इस नंबर को ब्लॉक किया जा रहा है, या फिर ओरिजिनल ओनर के जो FNF फ्रेंड्स एंड फैमिली के है, बिकॉज आजकल सब फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप्स में लेते हैं, उन्हें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की जाए ताकि यह घटना होने से बच सके। एक बात बताइए, सिम स्वैपिंग में क्या जो ओरिजिनल जिसका नंबर होता है या जिसका सिम होता है वो पूरी तरीके से क्या निष्क्रिय हो जाता है? और बेसिकली मानिए सिम स्वैप, हाँ ओके, सिम स्वैप अगर हो गया है तो बेसिकली जिसका नंबर है, जो ओनर है ओरिजिनल उस नंबर का, उसके पास किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी फोन पर नहीं होगी। मानिए उसके पास मैसेज नहीं आएंगे, नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, शायद व्हाट्सएप मैसेज भी ना आए अगर मैं सही हूं तो। तो क्या ये एक बहुत बड़ा सिग्नल हो सकता है किसी को समझने के लिए कि कुछ गड़बड़ है फोन में? क्योंकि अब तो ऐसा जमाना आ गया, हर एक मिनट में और या तो कम से कम आधे घंटे में 2-3 बार तो आपके व्हाट्सएप मैसेजेस या ईमेल्स के नोटिफिकेशन तो आते ही रहते हैं। तो अगर ऐसे कोई इंडिकेशंस किसी को मिल रहे हैं तो क्या ये संभव है कि सिम स्वैप हुआ हो? और अगर ऐसा हो जाता है तो सबसे पहला कदम किसी को क्या लेना चाहिए ये वेरीफाई करने के लिए? जी, तो पहला ये है कि अगर सिम ब्लॉक हुआ है तो जैसे हमने बोला वो पूर्ण नंबर जीरो सर्विस पे चला जाता है, जो हमें चार वर्टिकल लाइंस दिखती है वो कंप्लीटली जीरो हो जाती है कई लंबे समय तक। कभी कभार हम यह सोचते हैं कि शायद हम आउट ऑफ नेटवर्क हो, बट कभी भी हम आउट ऑफ नेटवर्क कई घंटों के लिए नहीं रह सकते। दूसरा, SMS आना बंद हो जाएंगे जैसे आपने कहा। तीसरा, जो भी एप्स हमारे नंबर से लिंक है, ना कि सोशल मीडिया एप्स बट बैंकिंग एप्स ऑल्सो, उनकी भी एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, बिकॉज इस पूरे डिजिटल ब्रह्मांड को हमने एक छोटे से सिम कार्ड से ही जोड़ा रखा है। वही सिम कार्ड अगर कोई आपसे ले ले तो आप इस डिजिटल ब्रह्मांड को किस एपिसेंटर से कनेक्ट करेंगे? तो यही हमें एक देखने की यहाँ पे संभावना है कि अगर ऐसी कोई घटना हो तो पहला चीज है कि जैसे ही आप आउट ऑफ सर्विस महसूस करें, आप अपने फोन कैरियर सर्विस प्रोवाइडर को फोन करें उनके कॉल सेंटर नंबर्स पे फ्रॉम द वेरिफाइड वेबसाइट। बिकॉज यहाँ ऐसे ना हो कि आप अपने कैरियर सर्विस प्रोवाइडर का सर्च करें नंबर और वहां से भी आप किसी और दूसरे जालसाज के झांसे में आ जाए। वेरिफाइड वेबसाइट या नियरेस्ट स्टोर जाकर आप उन्हें बोले कि तुरंत ही आपका जो सिम कार्ड कोई जो दूसरा जालसाज यूज कर रहा है वो ब्लॉक किया जाए और आपके केवाईसी वेरीफाई करके वो सिम कार्ड तुरंत से तुरंत आपके पास रिस्टोर किया जाए।